नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा तो ऊना से मॉर्निंग बुलेटिन लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हैं। क्या कुछ खबरें हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं, आपके साथ साझा करेंगे। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। ऊना जिला पर नशे के सौदागरों की पैनी निगाह है। हिमाचल प्रदेश के बाहर पंजाब और अन्य राज्यों में बैठे नशे के ये सौदागर हिमाचल के यूथ पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार सामने आ रहे नशा तस्करी के मामलों के बाद अब पुलिस धीरे धीरे इन बड़े मगरमच्छों की तरफ भी कदम बढ़ा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार नशा माफिया की सक्रियता पर पुलिस की सक्रियता भारी पड़ रही है। आए दिन यहां पर नशे तस्करी की घटनाओं को नाकाम किया जा रहा है और लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। पिछले कल भी जिला के सीमांत कस्बा नगर परिषद मैनपुर बसजेड़ा में कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर करीब 8 ग्राम चिट्टे के साथ एक दुकानदार को पकड़ा गया है। वहीं इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि नगर परिषद मैनपुर बसजेड़ा में पुलिस द्वारा पहले ही कार्रवाई को लेकर शिकंजा कसा गया था। पुलिस द्वारा इस जगह पर पैनी निगाह रखी जा रही थी और नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ यहां पर स्पेशली फील्डिंग सेटल की गई थी, क्योंकि यहां पर ही वैसाखी के दिन एक नशा तस्करी की वारदात सामने आई थी, जहां पर 11 ग्राम चिट्टे के साथ दो सगे भाइयों को दबोचा गया था। नगर परिषद बहरपुर बसजेड़ा के ही ये भी निवासी थे और अब साथ लगते गांव चढ़तगढ़ निवासी 35 वर्षीय व्यक्ति को नशे की खेप के साथ बरामद किया पकड़ा गया है। केस दर्ज किया गया है, एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार उसे किया गया है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने की जांच कोशिश में जुटी है कि आखिर हेरोइन यानी कि चिट्टे की ये खेप आई कहां से और जा कहां रही थी। नशा जो कि एक चिट्टे के रूप में यहां पर प्रचलित हो रहा है, विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि जो व्यक्ति एक बार चिट्टे की लत जिसे लग जाती है, अंततः उसकी मौत बिल्कुल निश्चित हो जाती है। रिहैब में यदि उस पर पूरी तरह से फोकस किया जाए, उसे पूरे ध्यान से उसे नशे से बाहर लाने के प्रयास किए जाएं, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। अदरवाइज नशा एक ऐसा धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपको मौत की तरफ लेकर जा रहा है। तो ऊना की बड़ी खबरों में हादसों पर लगाम कसने के लिए भी पुलिस ने अब सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि आए दिन हो रहे सड़क हादसों के बाद पुलिस ने तमाम चीजों पर फोकस करने का फैसला लेते हुए यातायात नियमों की अनुपालना को सुनिश्चित करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि यहां पर एक ही दिन में कई कई हादसे होने की भी वारदातें सामने आ चुकी हैं। वहीं इसके बाद अब सड़क सुरक्षा को निहित करते हुए पुलिस विभाग द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर यहां पर जो खाका तैयार किया है। फिलहाल आपको बता दें कि मालवाहक वाहनों में बाहर से श्रद्धालुओं को भरकर लाने वाले चालकों के खिलाफ भी केसेस दर्ज करने का क्रम शुरू कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले अगर बात की जाए तो केवल मात्र डेंजरस ड्राइविंग के चालान करके इतिश्री की जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे पुलिस इस मामले में कदम बढ़ा रही है और सख्ती बढ़ाते हुए इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। शहर से सटे रामपुर में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और जुएबाजी के आरोप में पंजाब के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। केस उसके खिलाफ यहां पर दर्ज किया है। आपको बता दें कि नंगल तहसील पंजाब के रोपड़ जिला की नंगल तहसील के तहत पड़ते मालूवाल गांव के निवासी गुरनाम सिंह पुत्र जगत राम इनका नाम बताया गया है। पुलिस ने दौरान गश्त इनके पास से पर्ची दड़ा सट्टा और नकदी बरामद की है। वहीं पुलिस इस गोरख धंधे से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी सुराग जुटा रही है कि आखिर इस तरह की अनैतिक गतिविधियों गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने का मुख्य अड्डा जो है वो उसका भंडाफोड़ किया जा सके। जिला में बीते दिनों में अपराध को लेकर काफी कुछ सामने आया है। एक तरफ जहां सड़क हादसों से लोगों को काफी हानि हुई है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर हत्या का मामला और उसके अतिरिक्त इस तरह के अवैध शराब या जुएबाजी के मामलों पर भी लगातार पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। और सड़क हादसों की बात करें तो यहां पर पुलिस ने 108 वाहनों के चालान किए हैं, जिनमें से 58 के मौके पर ही निपटारा करते हुए जुर्माना वसूल किया गया है 28,200 रुपए। शेष सभी 50 चालानों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जिनकी अगली प्रोसीडिंग कोर्ट के माध्यम से ही होगी। तो ऊना में धर्म संसद का आज दूसरा दिन है और धर्म संसद के इस दूसरे दिन के दौरान कई सारे प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो कि अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कल भी इन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए
हिंदू समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यदि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए हिंदुओं को इस मामले में पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि यह समय है जब तमाम लोगों को अपने बच्चों को सक्षम बनाना होगा ताकि अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा वो खुद कर सके। इस मामले में उन्होंने अंब में 15 वर्षीय नाबालिगा के हत्या मामले को कोट करते हुए कहा कि अब देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी शांति प्रिय माहौल बीते दिनों की बात हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी घरों में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। घर में घुसकर 15 वर्षीय युवती की गला रेतकर की गई हत्या देवभूमि हिमाचल प्रदेश पर एक बदनुमा दाग है। तो जिला की तमाम बड़ी खबरें आपके साथ साझा की हैं। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव टाइम टीवी के पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे साथ जो दर्शक यहाँ पर जुड़े हैं, सीमा राणा जी, आपका भी स्वागत। लाइव टाइम टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य, धन्यवाद।